कोरोना के कारण कई ट्रेनों के पहिए रुक गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन होने से यात्रियों को भी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने रीवा एक्सप्रेस नाम से विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन खुलने के बाद से कई ट्रेनें पटरी पर आती हुई नजर आ रही हैं। यात्रियों की डिमांड पर पश्चिम रेलवे मंडल 11 गाड़ियां शुरू कर चुकी है। अब रेलवे मंडल ने विशेष रूप से 12वीं यात्री गाड़ी अंबेडकर नगर से रीवा के बीच में संचालित करने जा रही है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत में लॉकडाउन हुआ था और उस टाइम गाड़ियों का संचालन बंद हुआ था 22 मार्च से, और धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हुआ है तो रेल प्रशासन भी अपनी गाड़ियों का संचालन विशेष गाड़ियों के तौर पर कर रहा है। तो अगर हम लोग रस्ताम मंडल के इंदौर की बात करें तो इंदौर से अभी तक 11 गाड़ी विशेष गाड़ियां रन कर रही हैं, और अभी 12वीं गाड़ी जो हम लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर नगर से रीवा के बीच में है उसका प्लानिंग किया है। तो ये गाड़ी 6 तारीख को रीवा से चलेगी और 7 तारीख को इंदौर से चलेगी, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से चलेगी इंदौर होते हुए। अंबेडकर नगर से रीवा के बीच चलने वाली यह गाड़ी 6 दिसंबर से यात्रियों को उपलब्ध होगी, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।